नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल में। आज पुनः एक रजिस्टर वर्क आप सबके लिए बालवाटिका स्कूल रेडिनेस के तहत जो हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं अपने विद्यालयों में, उसके अंतिम वीक का सप्ताह 12 का पूरा लिखित रजिस्टर वर्क आज आपसे शेयर करेंगे। और एक बार पुनः पुनरावृत्ति कर देते हैं कि सप्ताह 9 से कैलेंडर गतिविधियां पूरी तरह से बदल गई हैं। जो शिक्षक संदर्शिका की कार्य योजना, शिक्षण योजना हमें उपलब्ध कराई जा रही है, उसी के अनुसार हमें गतिविधियों का संचालन करना है और उसी के अनुसार हमें रजिस्टर वर्क कंप्लीट करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए वीक 12 बाल वाटिका स्कूल रेडिनेस सप्ताह 12 दिनांक 22/8/2022 से 27/8/2022 संदर्शिका का सप्ताह 4 लिखित रजिस्टर वर्क सप्ताह 12 कॉलम्स में आ जाते हैं, कल पूर्ववत रहेंगे। दिन और दिनांक, मॉर्निंग सर्कल टाइम, भाषा, कराई जाने वाली गतिविधि, गतिविधि का विवरण किस तरह से कराया गतिविधि, तीन तीन कालांश होंगे। उसके बाद बाहरी खेल, फिर आते हैं गणित की ओर, गणित कराई जाने वाली गतिविधि और गतिविधि का विवरण। अभी दो नई चीज़ें ऐड की गई हैं जो टाइम टेबल हमें उपलब्ध कराया गया है, तो आपको अलग से डायरी में लिखने की आवश्यकता ना हो इसलिए मैंने ये कॉलम भी इसी में ऐड कर दिया है। अंग्रेजी, पुस्तकालय और अन्य गतिविधि जिसमें आपको चित्रकला, संगीत, नाटक कुछ भी आप करा सकते हैं। आप जो टाइम टेबल जो शिक्षक संदर्शिका के साथ हमें उपलब्ध कराया जा रहा है आप देखेंगे तो सारी चीज़ें, खैर अब तो सबको स्पष्ट हो गई होंगी। तो चलते हैं, सबसे पहले दिन सोमवार 22/8/2022 मॉर्निंग सर्कल टाइम में स्वागत। यहाँ पे पुनः एक बार बता दें कि अभी इन मॉर्निंग सर्कल टाइम गतिविधियों का संचालन शिक्षक की देखरेख में बच्चों के द्वारा किया जाएगा। अब आते हैं मौखिक भाषा की ओर, जो हिंदी में तीन कालांश है। पहले कालांश में आपको मौखिक भाषा पे काम करना है, तो ओला ओला बम का गोला ये गतिविधि करानी थी। उसके बाद डिकोडिंग पे आते हैं, इसमें हमें ध्वनि जागरूकता पे काम करना है। क से निर्मित होने वाले शब्दों का निर्माण करके उसको तोड़ करके फिर उसमें ध्वनियों की पहचान। उसके बाद कार्यपत्र पाठ 19 पर कार्य और पठन कहानी शेर की गुफा, इस पर हमें काम करना था। ये हमारा है जो हमें करना है। और किस तरह से किया गया, चलिए ओला ओला बम का गोला गतिविधि द्वारा सब्जियों का नाम सिखाया गया। तो बच्चों को एक गोल घेरे में खड़ा करके उसके बाद ये गतिविधि बहुत ही रोचक तरीके से कराई गई। सारी गतिविधियाँ मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं, आप ज़रूर देख लें और बच्चों तक पहुँचाएँ। ध्वनि जागरूकता हेतु क से शुरू होने शब्द बच्चों से बुलवाए गए, जैसे कमल, कलम, इस तरह के शब्द बच्चों ने बोले। उसको फिर अलग अलग क, म और ल, इसमें तीन ध्वनियाँ हैं और उन पर काम किया गया। उसके बाद कार्य पुस्तिका पाठ 19 से कार्यपत्र पे कार्य कराया गया बच्चों को। पठन में बिग बुक स्टोरीज वीक की है, शेर की गुफा, इसका पहले 2 से 3 बार पठन करके बच्चों को सुनाया गया। चित्र दिखाए गए, उसके बाद फिर उसका दोहराव किया गया, छोटे प्रश्न भी पूछे गए। अब आते हैं बाहरी खेल। बाहरी खेल में 22 तारीख को चुप खेल करना था, वो कराया गया। अब आते हैं गणित की ओर, गणित कराई जाने वाली गतिविधि, अभ्यास गतिविधि 1 रंगों से पैटर्न बनाना कराना था। कार्यपत्रक अभ्यास 1 पर कार्य, गतिविधि का विवरण, गणित किट की सहायता से रंगों का पैटर्न निर्मित कराया गया। हमें गणित किट में बहुत ही कलरफुल टाइल्स और सब दिया हुआ है,
उसकी सहायता से पैटर्न निर्मित कराया गया। कार्यपत्र अभ्यास एक, रेखाएं खींचो मिलान करो कराया गया। उसके बाद अंग्रेजी में ए और बी पर कार्य किया गया। पुस्तकालय पे नहीं करना था सोमवार को। अंग्रेजी विषय पे और अन्य गतिविधि में बच्चों को उनकी मनपसंद कविता का पाठ कराया गया, वाचन कराया गया और गायन कराया गया। अब आते हैं मंगलवार की ओर। 23/8/2022 मॉर्निंग सर्कल टाइम प्रार्थना। भाषा में आते हैं क्या क्या करना था। चित्र पर चर्चा, पहला मौखिक भाषा विकास में हमें चित्र पर चर्चा करना था। डिकोडिंग में ध्वनि चेतना गेंद का खेल कराना था। कार्यपुस्तिका पार्ट 20 पर कार्यपत्र पर कार्य कराना, पठन शेर की गुफा। अब आते हैं मौखिक भाषा विकास चित्र चार्ट बरसात पर। विस्तारपूर्वक चर्चा और मौसम पे बात किया गया, चित्रों पे बात की गई, बंदर खुले छोड़ के प्रश्न पूछे गए। गेंद का खेल द्वारा सार्थक ध्वनियों को तोड़ते हुए मित्र का नाम पूछा गया। बच्चों को एक गोल घेरे में खड़ा करके एक कविता गाई गई और कविता जब ख़त्म हुई तो बॉल जिस बच्चे को दिया गया उस बच्चे को अपने दोस्त का नाम बताना था। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम रमन है उसके दोस्त का, तो र म और न, इसमें तीन ध्वनियाँ हैं, इनको तोड़ करके उसको बताना था। बहुत ही मज़ेदार गतिविधि है। कार्यपुस्तिका पार्ट 20 से कार्यपत्र पर कार्य कराया गया। पठन बिग बुक से शेर की कहानी का पुनः पठन कराया गया और इस पर बहुत से छोटे बंद और खुले छोड़ के प्रश्न किए गए। अब आते हैं अभ्यास गतिविधि दो, सर कमर और पैर, ये गणित में हमें कराना था। कार्यपत्रक अभ्यास दो पर कार्य, देखो इस किस तरह कराया गया। इसको बच्चों को गोल घेरे में एकत्र कर गतिविधि सर कमर पैर कराई गई, जैसे टीचर के द्वारा जो बोला गया बच्चों ने उसका पालन किया और जो नहीं किया वो गेम से आउट। और पुस्तकालय में बड़ी किताबों का उलट पुलट और चित्रों पर बात और अन्य गतिविधि में मनपसंद चित्र बनाकर उसमें रंग भरवाया गया। अब आते हैं 24 तारीख की ओर, दिन बुधवार 24/8/2022 मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों के द्वारा व्यायाम कराया गया। मौखिक भाषा विकास चित्र चार्ट पर चर्चा। रिकॉर्डिंग में ध्वनि चेतना बोलो बोलो कुछ तो बोलो का पे काम करना है। कार्यपुस्तिका पाठ 21 पे काम और पठन में शेर की गुफा। कविता से कक्षा की शुरुआत की गई। चित्र चार्ट बरसात पे पुनः चर्चा किया गया और बंद और खुले छोड़ के बहुत से छोटे छोटे बच्चों की मानसिक स्तर के प्रश्न पूछे गए। चित्रों पे बात की गई फिर से। ध्वनि चेतना हेतु बोलो बोलो कुछ तो बोलो गतिविधि कराई गई। कार्यपुस्तिका से कार्यपत्र पाठ 21 पर कार्यपत्रकों को भरवाया गया। पठन में शेर की गुफा कहानी का नाट्य रूपांतरण व बंद व खुले छोड़ के प्रश्न पूछे गए और इसका बच्चों से कहा पूरी उनका नाटक कराया गया। अब आते हैं गणित की ओर, 24 तारीख। अभ्यास गतिविधि तीन, बताओ मैं कौन हूँ, कार्यपत्रक अभ्यास तीन पर कार्य। बच्चों को गोल घेरे में एकत्र कर बताओ मैं कौन हूँ गतिविधि कराई गई। बहुत ही सुंदर गतिविधि था। कुछ चीज़ें मेज पर रख दी गई और एक बच्चे को बुलाया गया, उसको ये कहा गया कि इनमें से कोई भी एक वस्तु तुम अपने मन में चूज़ कर लो और बच्चे बताएगा वो बच्चा कि ये गोल है, इसका रंग क्या है, उससे बच्चे अनुमान लगाएंगे कि उन्होंने कौन सी वस्तु का चयन किया है। कार्यपत्रक अभ्यास तीन, कार्यपत्रक अभ्यास तीन में जो अलग है उस पर सही का निशान लगाए, ये कराया गया। उसके बाद ए बी पे कार्य गणित अंग्रेजी में और अन्य गतिविधि में नाटक कराया गया। एक बार फिर से देख लीजिए। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो
25, 26, 27 का कार्य आपको शाम तक या कल के वीडियो में शेयर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा बाल वाटिका का रजिस्टर 12 सप्ताह का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें शिक्षा संदर्शिका के अनुसार अपना पूरा वर्क करना है और उस हिसाब से अपना डायरी या रजिस्टर मेंटेन करना है। तो आशा है मेरे इस प्रयास से आपको हेल्प मिलेगी। तो कल के वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा अगले 3 दिवस का पूरा कार्य। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए कार्य के साथ। धन्यवाद।